हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हमारे साथ में है एक खास मेहमान, राहुल गुप्ता जी। आपने पहले भी कुछ, जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन आती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर या टैक्स रिलेटेड कुछ भी होता है तो हमारे साथ जुड़ते हुए देखा होगा। वेलकम राहुल गुप्ता जी, कैसे हो आप। बहुत बढ़िया सर, बताए। तो यहाँ पर जो सिचुएशन निकल के आ रही है, आपको भी पता है, आप भी अवेयर होंगे इस चीज से कि FTX डिफॉल्ट कर गया, और वो जो है दुनिया के बड़े एक्सचेंजेस में से एक आता था क्रिप्टो करेंसी के। और सबसे बड़ा जो कंसर्न है, सबसे बड़ा जो इशू है, वो अपने साथ 130 कंपनी को भी उसने बैंकरप्सी के लिए डाला है जो उसने टेक ओवर की थी या उससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी। तो आज की डेट के अंदर जो लोग हैं इंडियन यूजर, देखो जितने इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे वो ट्रेड करते हैं उतने ही वो या उससे ज्यादा ही इंडियन एक्सचेंजेस पे भी वो ट्रेड करते हैं। और यहां पर जब से 30% टैक्स की बात आई है, 1% TDS की बात आई है, थोड़ा ठंडा माहौल तो हुआ है, लेकिन लोग ट्रेड करते हैं ये हमें पता है। और यहां पर यही सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है और सब लोग, एक कॉमन सवाल निकल के आ रहा है, अगर ये FTX के साथ हो सकता है तो किसी और बड़े एक्सचेंज के साथ में भी हो सकता है, और इंडियन एक्सचेंजेस के साथ में हमारा तो डायरेक्ट कंसर्न है ना कि इंडियन एक्सचेंजेस के साथ में हो गया तो भैया क्या होगा इस केस के अंदर। अगर मान लो इंडियन एक्सचेंजेस डिफॉल्ट कर गए तो यहां पर क्या होगा, इस बारे में हम बात करेंगे आपसे और इस बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर सबसे पहला जो कंसर्न इंडियन एक्सचेंजेस को लेके आता है और सबसे पहली जो क्वेरी लोग हमसे पूछ रहे हैं कि यहां पर क्या इनके पास में रिजर्व है। FTX वाला कहानी तो नहीं है कि यूजर्स के जो फंड है उन्होंने कहीं और लगा दिए हों। और एक इंपॉर्टेंट कंसर्न जो हमें लगता है आपके साथ में शेयर करना चाहिए, या ट्वीट और टेलीग्राम पे भी लोग हमसे पर्सनली पूछ रहे हैं कि भैया हमें ये बताइए कि जैसे FTX ने डिफॉल्ट किया, प्रूफ ऑफ रिजर्व, प्रूफ ऑफ रिजर्व राहुल जी, आप ये कितनी क्रिप्टोकरेंसी वो होल्ड करते हैं, कितने एसेट्स वो होल्ड करते हैं, एक उसका सार होता है, एक पोर्टफोलियो दिखा दो कि भैया आपके पास में जितनी लाइबिलिटी है उतने के बराबर में आपके पास में पैसा है कि नहीं है, या हवा में सारी चीजें चल रही हैं। जैसे FTX के अंदर निकल के आया $9 बिलियन की उनके ऊपर लाइबिलिटी थी, लेकिन यहां पर पता चला कि उनके पास में $900 मिलियन भी लिक्विडिटी के अंदर नहीं थे, तो यानी कि 1/10। अब सबसे बड़ा कंसर्न जो लोगों का निकल के आता है, हम इतनी फ्लैशी मार्केटिंग देखते हैं, इतना कुछ प्रमोशंस देखते हैं, इतना कुछ चल रहा होता है, बट एक लग्जीरियस लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं जो वहां के जो भी फाउंडर्स होते हैं, सीईओ होते हैं, इतना पैसा खर्च होता है, इवेंट्स होते हैं, तो भैया वो पैसा अपनी जेब से तो वो लेके नहीं आते, वो कहां से आता है। कंपनी टेक ओवर करते हैं, वो कहां से लेके आते होंगे, वो भैया लेके आते होंगे जो एक्सचेंजेस के अंदर या तो उन्होंने कमाई की होगी या जो यूजर का फंड होगा, दूसरा कोई सोर्स तो नहीं हो सकता ना यहां पर, यही चीज हो सकती है, या तो उन्होंने कमीशन कमाई होगी या यूजर्स का फंड होगा। ठीक है, अब बिल्कुल यहां पर सबसे पहली जो कंसर्न निकल के आ रहा है, FTX ने जैसे ही डिफॉल्ट किया, बैंकरप्सी करी, उसके बाद बड़े बड़े एक्सचेंजेस, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की बात करता हूँ, बाइनेंस की बात करता हूँ, OKX की बात करता हूँ, कूकॉइन की बात करता हूँ, हावी की बात करता हूँ, इन सब एक्सचेंजेस ने अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखाए कि भैया हमारे पास में इतने एसेट्स हैं कि हम लोगों को बैक कर सकते हैं। लेकिन लोगों का विश्वास एक बार जो है डगमगाता है ना, तो बड़ा इशू आ जाता है, और वही चीज हमें देखने को मिली। और 2 लाख बिटकॉइन जो है, कहते हैं कि पिछले एक हफ्ते के अंदर विड्रॉ हो गए एक्सचेंज से। 2 लाख बिटकॉइन राहुल जी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, टोटल बहुत दो बड़ा करोड़ अमाउंट दस लाख ही है बिटकॉइन और एक्सचेंजेस के ऊपर। इसका बड़ा प्रेशर है कि क्रिप्टो करेंसी लोग निकाल रहे हैं, मैं सिर्फ बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, दूसरी क्रिप्टो करेंसियां निकाली होंगी तो सोचो कितने $1 बिलियन लोगों ने पर्सनल वॉलेट में रख लिया। ये बात समझने की है, जब बिल्कुल तक आपके ताले की चाबी आपके पास नहीं है तो समझ लीजिए अंदर का माल आपका नहीं है। तो यानी कि अगर आपने एक्सचेंजेस के ऊपर रखा हुआ है तो आप उनके भरोसे बैठे हो, आपकी आप अगर मान लो कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो भैया आपको अल्टीमेटली जाके फिर लीगैलिटी में फंसोगे। अब यहां पर इंडियन एक्सचेंजेस की बात करते हैं, उन्होंने अभी तक कोई भी एक्सचेंज जहां हमारी नॉलेज में है किसी ने भी प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं दिखाया। अब प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं दिखाया है, इट मींस कि यहां पर लोगों को पता ही नहीं है कि भैया उनका पैसा उनके वॉलेट्स में है कि नहीं है, इधर उधर तो नहीं कर दिया है, या जो मैंने बात करी शुरुआत में लग्जीरियस लाइफ स्टाइल की बात करें, प्रमोशन की बात करें, इवेंट्स की बात करें, मेगा इवेंट्स की बात करें, क्या भैया उसमें तो नहीं कर दिया है। तो यहां पर अब वर्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं राहुल जी, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन वर्स्ट सिचुएशन और बिल्कुल चीजों को समझना
करना बहुत जरूरी था। वर्स्ट सिचुएशन में बात करते हैं, अगर मान लो इंडियन एक्सचेंज, कोई भी एक्स वाई जेड ले लो, किसी का नाम लेंगे तो अच्छा नहीं लगता वो सारी चीजें, लेकिन यहाँ पर जब सारी चीजें होती हैं तो ऐसा लगता है हमाम में सब नंगे हैं, तो हमें उस नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि भैया पैसा लगा होता है तो सबको उसी नजरिए से देखना चाहिए कि हमारा पैसा सेफ है कि नहीं, और यूजर को वही देखना चाहिए। तो कोई भी एक्सचेंज हो, अगर मान लो कोई एक्सचेंज डिफॉल्ट करता है या आपका बैंकरप्सी की तरफ जाता है, तो भैया लोगों के पास में रेमेडी क्या है और उनका पैसा उनको वापस कैसे मिलेगा। अगर ये मैं बात कर रहा हूं कि डिफॉल्ट कर जाता है, सबसे पहले तो बेटर रहेगा कि अगर आप अपने पैसे विड्रॉ कर लो, क्रिप्टो करेंसी विड्रॉ कर लो, लेकिन यहां पे एक कंसर्न निकल के आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी वो विड्रॉ करने नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया या तो INR में बेचो और INR में विड्रॉ करो या INR में डिपॉजिट करो। लेकिन क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ नहीं कर सकते, ये क्या हवाला दे रहे हैं कि भैया जो रेगुलेटरी जो रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं है। अरे भैया रेगुलेटरी क्लैरिटी अगर डिपॉजिट के लिए, विड्रॉल के लिए, डिपॉजिट के लिए कैसे है? तो दोनों चीजें रखो ना। तो आप जो है पैसा तो सारा लेना चाहते हो, लेकिन लोग अपनी इच्छा से पैसा वापस लेना चाहते हैं तो वो आप करने नहीं देना चाहते, तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये क्यों? क्योंकि FTX के बाद इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर भी प्रेशर होगा और लोगों ने वहां से भी माल निकालना शुरू किया होगा, और शायद यही एक रीजन है उन्होंने उस विड्रॉल भी बंद कर दिए, और ये अच्छा बहाना है रेगुलेटरी क्लैरिटी का। तो ये सारी चीजें बड़े कंसर्न है, आपको भी ये होंगे तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, इसके बारे में और फरदर डिस्कस करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर मान लो कोई एक्सचेंज डिफॉल्ट करता है, कोई एक्सचेंज बैंकरप्सी की तरफ जाता है, तो लोगों के पास में रेमेडी क्या है, लोगों के पास जो पैसे वापस अपनी वसूली कैसे करेंगे? देखिए, जो बैंकरप्सी के लिए अगर किसी बंदे ने फाइल किया, तो सबसे पहले तो आप अपना एग्रीमेंट देखिए, जो आप जब किसी भी एक्सचेंज पे अब जब अपना अकाउंट बनाते हैं तो वो टर्म्स एंड कंडीशन आपसे एक्सेप्ट कराता है, वो एक एग्रीमेंट होता है। नॉर्मली वो कोई भी नहीं पढ़ पाता, क्यों? क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का, हाँ ठीक है, सारी दुनिया यही करती है, शायद मैंने भी यही किया होता अगर मैंने किया होता तो, ठीक है, क्योंकि कोई टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने में इंटरेस्टेड होता ही नहीं है, लेकिन वो मायने रखते हैं। चलो कोई बात नहीं सर, टर्म्स एंड कंडीशन आपने नहीं पढ़ी, वो कोई गलत टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रख सकता एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो टर्म्स बिल्कुल वॉइड ए बी इनिशियो, वॉइड ए बी इनिशियो का मतलब होता है जो अलाउड ही नहीं है, वो ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रख सकता। तो ऐसा आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमने नहीं पढ़ा तो हमें कोई गलत ना हो जाए हमारे साथ। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, अगर उसने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया, तो अब जो आपका एग्रीमेंट है वो कॉर्पोरेट डेटर, वो एक कंपनी के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल उस कंपनी को टेक ओवर कर लेगा, उसके डायरेक्टर सारे बाहर हो जाएंगे, अब कंपनी के पैसे को चलाने का सारा काम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के पास रहेगा, वो देखेगा मुझे इतने पैसे देने हैं और मुझे इतने पैसे मार्केट से लेने हैं, तो लेने वालों से वो लेगा। अगर किसी डायरेक्टर ने अपने पर्सनल अकाउंट में गलत तरीके से पैसा लिया हुआ है तो उससे वापस मंगाने का भी वो राइट रखता है, ऐसा नहीं है कि उसके पास राइट नहीं है, उसके पास पूरे राइट्स हैं। अगर किसी को कोर्ट ने राइट दिया है तो आप समझ जाइए उसके पास पूरे राइट है, और दे आर नॉर्मली वेरी गुड पर्संस, वो एक्चुअल में चाहते हैं कि किसी बंदे का नुकसान ना हो, मैक्सिमम पैसा सब तक सबके पास दिया जाए। उसकी फीस भी इस बेसिस पे डिसाइड होती है कि वो कितने बंदों के पास पैसा वापस दे पा रहा है, उसकी मार्केट के अंदर गुडविल डिसाइड होती है, उसकी मार्केट वैल्यू डिसाइड होती है, उसके केसेस उसको कोर्ट अच्छे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अच्छे केसेस देगी। तो अगर इस तरीके का केस होता है तो गवर्नमेंट या कोर्ट एक अच्छे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को देगी जो जानता है कि मार्केट से पैसा कैसे निकालना है, और सभी बंदों को इक्वल प्रोपोर्शन में या जिस भी प्रोपोर्शन में वो डिसाइड करते हैं वो दे पाए। ठीक है, अब इस केस के अंदर ये आता है, मान लो 100 रुपए मैंने डिपॉजिट किए हुए हैं, मान लो, या एग्जांपल लेते हैं, सारे लोगों के क्रिप्टो करेंसी मिला के या पैसे INR मिला के 100 करोड़ रुपए बनते हैं, और वहां पे उनके पास में है 20 करोड़, तो यहाँ पे 20 करोड़ रुपए जो भी क्लेम करेंगे लोग वो उस हिसाब से प्रपोर्शन के अंदर बढ़ जाएगा, लेकिन 80 करोड़ रुपए का क्या हिसाब है, 80 करोड़ रुपए की रिकवरी कैसे होगी, या इस केस के अंदर जो फाउंडर्स होते हैं उन पे क्या एक्शन हो सकते हैं, या 80 करोड़ का की सुनवाई कैसे होगी, कहां से रिकवरी होगी लोगों की? देखिए सर, अगर उसके पास 80 करोड़ रुपए नहीं है तो पहली बात तो मैं ये जानना चाहूंगा जो उसकी लास्ट इनकम टैक्स की रिटर्न गई है एक्सचेंज की, उसमें क्या उसने लॉस फाइल की है?
ऑब्वियसली अगर उसके पास पैसा नहीं है तो ही हैज इनकर्ड अ लॉस, तो दैट शुड बी जस्टिफाइड बाय द ऑडिटर एज वेल एज द डायरेक्टर्स इन देयर मीटिंग्स कि भैया हमें लॉस हो रहा है और इस वजह से हो रहा है. अगर लॉस नहीं है तो कंपनी के अंदर ही पैसे हैं. अच्छा, अब इस केस के कोई करंट ईयर में, कोई करंट ईयर में छह महीने में तो लॉस हुआ नहीं होगा इतना मैसिव, लेकिन यहाँ तो वो स्टार्टिंग से लॉस चल रहा है. यस, ये अदरवाइज 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 किसी डायरेक्टर ने पर्सनल कैपेसिटी में पैसे लिए हैं वो रिकवर करने का वो राइट रखता है. लेकिन एक एक और चीज है, क्रिप्टो करेंसी का चार्म कह लीजिए या डिसएडवांटेज भी कह लीजिए, कि कोई भी अब INR के अंदर विड्रॉ कर रहे हो तो बैंक से ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी ने क्रिप्टो करेंसी को ही ट्रेस कर जो है ट्रांसफर कर दिया मान लो, तो दुनिया किसी भी कोने में कर दिया, किसी को नहीं पता FTX के साथ में क्या केस हुआ. पहले उन्होंने बैंकरप्सी के लिए डाला, फिर सुनने में आया $1 बिलियन के हैक हो गए, और वो बहाना लगा दिया कि भैया हमारे तो हैक हो गए क्रिप्टो करेंसी, और मान लो ट्रांसफर कर लिए, उस केस में तो फिर कैसे होगा. अच्छा देखिए, हैकिंग के लिए गवर्नमेंट के पास बहुत जबरदस्त कंट्रोल है, अगर गवर्नमेंट काम करना चाहे तो हैकिंग तो सब हैकिंग नहीं, हैकिंग तो वर्स्ट सिचुएशन बता रहा हूँ. मान लो इन्होंने अपने आप ही ट्रांसफर कर दिए और चलो, और इन्होंने अपने आप ट्रांसफर कर दिए तो उसकी तो कोई सुनवाई नहीं ना, वो तो कहीं लॉस वॉस में दिखेगा ही नहीं ना. हाँ, अल्टीमेटली बैलेंस शीट में सुनना पड़ेगा सारी चीजें, कितना डिपॉजिट है लोगों का. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सब रिकवर कर देगा सर, ही हैज ऑल द पावर्स, ही हैज द पावर ऑफ कोर्ट सर. सबसे बड़ी पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास है, उससे उससे थोड़ी सी कम पावर हमारी कोर्ट्स के पास है, उसके पास कोर्ट की पावर है, वो चाहे तो सब कुछ निकाल देगा. अब मान लो थोड़ा सा ईज आउट करते हैं, 100 रुपए थे लोग लग्जरी लाइफ जीने में, सब चीजें करने में, उन्होंने पैसे उड़ा दिए, 50 रुपए बचे. अब 50 रुपए की रिकवरी तो फिर कभी नहीं हो सकती ना, 50 रुपए में आप ये इन शॉर्ट ये कहूँ फाउंडर या जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा वो जेल जा सकता है, इसके अलावा तो कुछ हो सकता, यही चीज है ना, उसके अलावा कुछ हो सकता. तो भैया इन शॉर्ट ये सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए. सबसे पहले तो अगर मान लो डिफॉल्ट कर देता है तो क्या होता है, सबसे पहले वेबसाइट डाउन जाती है, FTX की भी वेबसाइट डाउन हुई थी. तो यहाँ पर आपको जैसे राहुल जी से मैंने डिस्कस भी किया था, राहुल जी ने मुझे यही बताया, तो ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ बोलते हैं, सारी चीजें पहले हमने डिस्कस करी है, मैंने इनसे भी थोड़ा सा नॉलेज ली ताकि मैं आपसे आपको ये बातें बता सकूं. तो सबसे पहले राहुल जी के लिए और इस वीडियो के लिए लाइक जरूर ठोक दीजिएगा. राहुल जी का खुद का चैनल भी है और टैक्सेशन से रिलेटेड, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. क्रिप्टो करेंसी पे भी कई बार वो वीडियोस बनाते हैं, उसका भी आप फायदा उठा सकते हो. तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनको भी आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा. तो यहाँ पर राहुल जी ने जो एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी और ये चीज आपको भी समझनी चाहिए, सबसे पहले आप एक्सचेंज पे जाओ, जो भी आपका अकाउंट हो उसके अंदर से टर्म्स एंड कंडीशन की सारी जो शीट है वो विड्रॉ कर लो, वो जो है प्रिंट आउट ले लो या उसकी कॉपी एक अपने पास रख लो बैकअप के लिए. अगर वेबसाइट डाउन हो जाती है, कुछ भी होता है, तो कम से कम आपके पास रहेगा कि भैया मेरा अकाउंट था. कल को अगर मान लो इंसॉल्वेंसी प्रोफेसर जो कहते हैं प्रोफेशनल, अगर ट्रेस ही नहीं कर पाया कि भैया आपका अकाउंट नहीं था, रिकॉर्ड डिलीट हो गए, तो क्या करोगे. पहली चीज. दूसरी चीज, आपके वॉलेट के अंदर जाओ, उसका स्क्रीनशॉट लो, भैया मेरे पास इतना इतना पैसा है. कल को अगर मान लो प्रोफेशन जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अगर कुछ भी मांगता है तो वो आपसे रिकॉर्ड ही तो मांगेगा ना, तो ये प्रूफ रहेंगे आपके पास में, रिकॉर्ड रहेंगे, बैंक स्टेटमेंट रहेगी, ये सारी चीजें देनी पड़ेंगी, तभी आप क्लेमेंट बन पाओगे. अगर आप ये सारी चीजें नहीं दोगे, हवा में बात करोगे जी मेरा तो इतना पैसा था, तो फिर ये आप वहां क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोर्ट की बात करें या लॉयर्स की बात करें वो पेपर के भूखे होते हैं, वो उनको पेपर चाहिए, सबूत चाहिए. तो ये चीज को आपने यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है. राहुल जी, कुछ और एड ऑन करना चाहोगे इस केस के अंदर, इस सिचुएशन में. सर इससे बढ़िया आप एक काम और कर सकते हो, अपने रिसेंट इंटरवल्स पे अपनी स्टेटमेंट्स डाउनलोड करते रहो, हर महीने की स्टेटमेंट डाउनलोड करते रहो या उसको सेव करते रहो, जिसमें एक्सचेंज का नाम वगैरह आए, एटलीस्ट ऐसी स्टेटमेंट हो, वो आपके पास रिकॉर्ड भी रहेगा और आपको कल को प्रूफ करना भी इजी रहेगा कि मेरे पास इतने क्रिप्टो एक्सचेंजेस फ्रॉम दिस डेट है. ठीक. तो दोस्तों ओवरऑल सिचुएशन समझ में आ गई है कि नॉट योर क्रिप्टो करेंसी. तो बेटर यही है सिचुएशन, अपने आप चीजों के अपने हाथ में कंट्रोल रखो, और अगर विड्रॉल नहीं दे रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में तो उनसे पूछो भैया क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो. रेगुलर जो रेगुलेटरी क्लैरिटी किया बहाना तो बहुत ईजी है चीज, लोग निकालना नहीं चाहते तो क्या करें, डिपॉजिट क्यों ओपन किए हुए हैं. तो ये सारी चीजों पर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा और सेटिस्फैक्ट्री आंसर उनसे लेना पड़ेगा. यहां पर आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कुछ भी क्वेरीज हो, हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर एक और वीडियो बनाने की जो आपकी पर्टिकुलर क्वेरीज होंगी उसके ऊपर.
फिलहाल के लिए राहुल जी थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया, बिजी शेड्यूल चल रहा है आपका आई नो, बट फिर भी आपका बहुत बहुत थैंक यू। और राहुल जी का चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए, आपको पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।